नाज़रीन कराम, मौला अली फरमाते हैं, अगर तेरा गुलाम अल्लाह ताला की नाफरमानी करे तो उसे सजा दे और तेरा हुक्म न माने तो उसे मुआफ़ कर दे। और आप फरमाते हैं, जो शख्स किसी अपने मुजरिम कसूरवार को सजा देता है तो इसमें कोई कमाल नहीं, और जो शख्स किसी बेवकूफ़ से झगड़ता है तो उसमें कोई अकल नहीं। हज़रत अली फरमाते हैं, उलमा इसलिए गरीब और बेबस हैं कि जाहिल लोग ज्यादा हैं और वो उनकी कदर मंजिलत नहीं जानते। और आप फरमाते हैं, किताबें उलमा के बाग हिकमत बुजुर्गों की रियाजत है। नाज़रीन करा, मौला अली ने फरमाया, कसूरवार के उज़र को कबूल करना निहायत आला दर्जे का फजल है। और आप फरमाते हैं, लोगों के कसूर और उनकी गलतियों से दरगुजर कर और किसी को तकलीफ न पहुँचा। नाज़रीन कराम, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, आलिम वो है जिसके आमाल उसके आफाल की दुरुस्ती के शाहिद हों, और परहेज़गार वो है जिसका नफ्स पाक हो। आप फरमाते हैं, उलमा की दोस्ती और आशनाई दीन का एक हिस्सा है, इसे ज़रूर हासिल करना चाहिए। मौला अली फरमाते हैं, दरगुजर करने के बराबर कोई बुर्दबारी नहीं और बुखल के बराबर कोई ऐबदारी नहीं। और आप फरमाते हैं, जब तू किसी का नुकसान करे तो उसके पास उजर बयान कर, और जब कोई शख्स तेरा नुकसान करे तो उसे मुआफ़ कर दे। आलिम अपने दिल की आंख से देखता है, जाहिल अपने इल्म पर भरोसा करता है, और नादान अपनी उम्मीदों आरजू का असर रखता है। और मौला अली फरमाते हैं, बहुत से आलिम बदकार और बहुत से आबिद बे इल्म हैं, इनसे परहेज रखो और इनसे मेल जोल छोड़ दो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, आलिम वही है जिसका अपने इल्म पर अमल हो। और आप फरमाते हैं, सबसे अच्छे साथी वो लोग हैं जो साहिब इल्म हैं, और सबसे अच्छे मुशीर वो हैं जो अकलमंद हैं। नज़रीन कराम, मौला अली का कौल है, दरगुजर करना तमाम बुजुर्गों का ताज है और अच्छी परहेजगारी है। और आप फरमाते हैं, बुराई करने वाले का सबसे अच्छा मुकाबला यही है कि उसे दरगुजर किया जाए। नज़रीन कराम, मौला अली फरमाते हैं, आलिम के पांव फिसलने की मिसाल ऐसी है जैसे कश्ती का टूटना कि वो खुद भी गर्क होती है और अपने साथ और चीजें भी डबो देती है। और आप फरमाते हैं, आम लोगों की आफत ये है कि आलिम बदकार हो, और इंसाफ की आदत ये है कि हाकिम जालिम और सितमगर हो। मौला अली फरमाते हैं, आलिम वो है जो अपनी कदर समझे, और जाहिल वो है जो अपनी हालत न पहचाने। और आप फरमाते हैं, हक छोड़ने के बाद गुमराही हासिल होने के सिवा कुछ नहीं। मौला अली का कौल है, कयामत के रोज वो लोग दोजख का ईंधन होंगे जो गनी होकर अपने माल को फकीरों पर खर्च नहीं करते। और आप फरमाते हैं, आलिम के पांव फिसल जाना जहान को बिगाड़ देता है। नज़रीन कराम, बालों को स्याह लंबा और घना करने के लिए हर नमाज के बाद एक बार सूरह अल-लैल पढ़ लिया करें और अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें। इंशाल्लाह आपके बाल घने हो जाएंगे, अगर गिरते हैं तो गिरना बंद हो जाएंगे। दुआ है अल्लाह ताला आपके तमाम मसाइल हल फरमाए। उम्मीद है MU प्रोडक्शन की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद इस तरह की अच्छी वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपनी रहमतों के साए में रखे। आप सबकी दिली ख्वाहिशात पूरी हों, आप सबकी जायज़ ख्वाहिशात पूरी हों, आपके रिस्क में बरकत हो, माल में बरकत हो, औलाद में बरकत हो। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकअल्लाह। जज़ाकअल्लाह।